अगर आपने अभी तक सोल्यूशन फॉर लाइफ प्रॉब्लम्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बने हुए बेल आइकॉन को दबाइए फॉर मोर विजडम मोर सोल्यूशन बेटर लाइफ। आज की ये वीडियो थोड़े अलग किस्म की है, लेकिन हाँ, ये भी हमारी रोज की एक प्रॉब्लम के बारे में ही है। कैसे अपनी ग्लोइंग स्किन को मेंटेन रखना पॉसिबल है? डल टैन स्किन किसी को भी पसंद नहीं, फिर चाहे कोई इस बात को माने या ना माने, मनी मन हम सभी एक ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हैं। लड़कों के लिए ये उतना इम्पॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन लड़कियों के लिए उनकी स्किन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है। लेकिन हर महीने कॉस्मेटिक्स के पीछे इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अगर अपनी मनपसंद ग्लोइंग स्किन ना मिले तो वो सच में बहुत दुख की बात है। इसलिए आज मैं इस वीडियो में ऐसे कुछ बहुत ही आसान सा घरेलू टिप्स आपके साथ शेयर करूँगा, जिसे यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से ही और बहुत कम खर्च में पा सकते हैं अपनी मनपसंद ग्लोइंग स्किन। तो चलिए शुरू करते हैं। होम रेमेडी नंबर 1, वाटर। स्किन को ग्लोइंग रखने के लिए अगर सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ है तो वो है एनफ पानी पीना। हर रोज़ अगर 8 ग्लास के करीब पानी पिया जाए तो शरीर और स्किन से सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। हमारे शरीर के 50-70% पानी से बना हुआ है। एक मेल को हर रोज़ दिन में 3 लीटर और एक फीमेल को दिन में 2.2 लीटर पानी पीना चाहिए। स्किन मॉइस्चराइजिंग मेंटेन रखने के लिए और स्किन सेल्स में ज़रूरतमंद न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करने के लिए एनफ पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है। पानी हमारी स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में भी बहुत मदद करती है। हर रोज़ सही तरह से एनफ पानी पीने से चेहरे में जो एजिंग के साइंस होते हैं, जैसे कि रिंकल्स, फाइन लाइन्स, वो सब आसानी से नहीं आते। पानी स्किन को अच्छी तरीके से हाइड्रेटेड रखती है और स्किन को ग्लिसनिंग मतलब स्किन में ग्लो ले आने में बहुत मदद करती है। एनफ पानी पीने से स्किन नरम और सुंदर होता है, जो दूसरे सारे रेडीमेड क्रीम्स अप्लाई करने से बहुत ज़्यादा बेटर है। इसलिए अगर आप एक सुंदर, नरम और ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको हर रोज़ एनफ पानी पीना पड़ेगा। होम रेमेडी नंबर 2, योगा। योगा करने से आपकी मन और शरीर हेल्दी रहेगी और इसी से आपकी स्किन में ग्लो आएगी, जिससे आपको देखने में बहुत यंग लगेगी और आप हेल्दी भी रहोगे। योगा हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है और शरीर में जितने हार्मफुल टॉक्सिन्स होते हैं उन सबको रिड्यूस करने में भी बहुत मदद करता है। ऐसे बहुत सारे फीमेल्स हैं जिनकी स्किन्स ऑयली है, उनको गर्मियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। स्पेशली उनके लिए जो कूलिंग प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल है। इससे स्किन में ग्लो ले आने में मदद मिल सकता है। कपालभाति प्राणायाम स्किन में ग्लो लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इससे डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जिसकी मदद से नेचुरली ग्लोइंग स्किन मिल सकती है। या फिर आप अगर घर बैठ के ही हर रोज़ 20 मिनट करके फेशियल योगा एक्सरसाइजेस कर सकते हो तो आपको बहुत जल्दी ही इसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप अगर अपनी फेस को 20 मिनट तक धीरे धीरे मसाज करते हो तो इससे आपकी स्ट्रेस रिड्यूस होगी। या आप अगर अपनी आईब्रोज को भी ठीक इसी तरह से ही मसाज करते हो तो कुछ समय के लिए फेस में एक रिलैक्सेशन होगी और आपकी स्किन में भी एक खूबसूरत सा निखार आएगा। इसलिए हर रोज़ थोड़ा बहुत योगा करना आपकी स्किन के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। होम रेमेडी नंबर 3, नेचुरल फेशियल पैक्स। घरेलू तरीके की कुछ फेशियल पैक्स है जिन्हें हम बहुत ही आसानी से ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, बनाना। बनाना स्किन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। पहले अपनी फेस अच्छे से पानी से वॉश कर लीजिए। इसके बाद एक राइप बनाना लेकर उसका पेस्ट बना लीजिए, फिर उसमें एक चम्मच हनी मिक्स करके अपनी फेस पर लगाइए और कुछ समय बाद वो पेस्ट सूख जाने पर नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। इससे आपकी स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग दिखेगी। इसे आप हर रोज़ एक बार करके लगाइए। ये बहुत ही सिंपल एक तरीका है और हर रोज़ लगाने के बाद ही आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू होगा। आप चाहो तो इस मिक्सर में हाफ चम्मच नींबू की रस भी डाल सकते हो, या फिर आप चाहो तो हर रोज़ खाली पेट में भी एक राइप बनाना खा सकते हो। ये भी आपकी स्किन और शरीर के लिए हेल्दी रहेगा। बनाना में पोटाशियम और विटामिन ई एंड सी होते हैं, जो कि स्किन को साफ रख के स्किन में ग्लो लाने में बहुत ही फायदेमंद है। और शहद में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिससे स्किन सॉफ्ट होता है। इसके बाद जो अगला पैक है वो स्पेशली लड़कों के लिए है, लेकिन इसे लड़कियाँ भी यूज़ कर सकती हैं। जिन लोगों की स्किन ऑयली है या जिन लोगों की स्किन में डार्क स्पॉट, टैन, ये सारी चीज़ें हैं, उन लोगों के लिए ये पैक सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। 2 चम्मच चावल का आटा या राइस फ्लोर लेके उसमें 1/2 चम्मच टर्मरिक पाउडर या हल्दी पाउडर और 4 चम्मच नींबू का रस मिलाकर एक पेस्ट बना लीजिए। इसके बाद पेस्ट को मुंह, गर्दन या हाथ पैर पर लगाइए। इसके बाद ये अगर सूख जाए तो इसको स्क्रब करते हुए, मतलब सर्कुलर मोशन में रब करके नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए।
ये आपकी स्किन नरम और सुंदर बनाएगी और टैन भी रिमूव करेगी। लड़कों की स्किन लड़कियों की स्किन से ज़्यादा हार्ड होती है, इसलिए ये पैक उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी है। ये आप हर रोज़ या हर हफ्ते में 2 से 3 दिन तक लगा सकते हैं। हल्दी हमारी स्किन की पिगमेंटेशन, मतलब हमारी स्किन में जो टैन होता है, उसको रिमूव करके हमारी स्किन की जो असली रंग है उसे बाहर ले आता है और स्किन को और ग्लोइंग बनाने में मदद करता है। राइस फ्लावर हमारे डेड स्किन सेल्स को दूर करके स्किन नरम और सुंदर बनाता है। नंबर 3, इसके बाद जो अगला पैक है, इसको बनाने के लिए 2 चम्मच बेसन लेकर उसमें 1/2 चम्मच से भी थोड़ा कम या 2 चुटकी हल्दी पाउडर, 1 चम्मच चंदन पाउडर, 2 चम्मच रॉ मिल्क और लास्ट में रोज वाटर मिला के एक पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट ज़्यादा पतला या ज़्यादा गढ़ा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल पेस्ट बनाने के लिए जितनी रोज़ वाटर की ज़रूरत है उतनी ही यूज़ करें और इसे 1 महीने तक हर रोज़ लगाइए और लगाने के बाद 20 से 30 मिनट तक रखिए। ये सूख जाने के बाद थोड़ा पानी लेकर सर्कुलर मोशन में स्क्रब करके वॉश कर लीजिए। आप चाहो तो ये मुंह, गला, गर्दन या फुल बॉडी पर भी लगा सकते हो। इसमें बेसन है जो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है और डार्क स्पॉट्स अंदर से रिमूव करता है और हल्दी से पिंपल्स भी कम हो जाते हैं। और रॉ मिल्क में लैक्टिक एसिड होते हैं जो कि स्किन की टैन रिमूव करके गोरा निखार लाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है और चंदन पाउडर डार्क स्पॉट्स रिमूव करने में मदद करके स्किन में ग्लो वापस ले आता है। चंदन पाउडर बहुत ही आसानी से किसी भी मार्केट में आपको मिल जाएगा। इसके बाद है एलोवेरा जेल, जो ड्राई स्किन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ज़्यादातर लोगों के घर में ही एलोवेरा के पौधे रहते हैं या फिर मार्केट में भी ये आसानी से मिल जाता है, इसलिए एलोवेरा एक बहुत ही हेल्पफुल होम रेमेडी माना जाता है। एलोवेरा साइड से कट करके उसके अंदर जो जेल होता है उसको निकालिए, फिर उसको अपनी फेस पर लगाइए। उसके बाद वो सूख जाने तक वेट कीजिए और फिर पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिए। जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए यह बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और ये लगाने के बाद फेस पे एक इंस्टेंट ग्लो भी आ जाता है। एलोवेरा में विटामिन सी, ई और बीटा कैरोटीन्स होते हैं जो स्किन को नरिश और मॉइस्चराइज करता है। इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो सनबर्न से स्किन को प्रोटेक्ट करता है। इसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं जिससे स्किन जल्दी हील हो जाता है। अगर आपको प्योर एलोवेरा ढूंढ पाने में मुश्किल होता है तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। एलोवेरा जेल रोज़ रात में सोने से पहले लगाकर सोने से हर सुबह आपकी स्किन साफ और ग्लोइंग दिखेगी। इसके बाद आती है मुल्तानी मिट्टी, जिसके बारे में हमें से ज़्यादातर लोग ऑलरेडी जानते हैं। ये स्किन को नरम और पिंपल रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। होम रेमेडी नंबर 4, नेचुरल स्क्रबर, जिसमें से नंबर 1 है टोमेटो स्क्रबर। टोमेटो स्क्रबर एक बहुत ही आसान और नेचुरल होम रेमेडी में से एक है और इसे लड़कों भी यूज़ कर सकते हैं। लड़कों की स्किन लड़कियों से ज़्यादा ऑयली और हार्ड होती है, इसलिए ये उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। एक टमाटो लेकर उसको अच्छे से घिस के या स्मैश करके उसमें से सारे रस निकाल लीजिए। उसके बाद उसमें 1 चम्मच हनी या शहद मिलाकर पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद आप उसको मुंह, गला, गर्दन या फुल बॉडी पर अप्लाई कर सकती है। ये सूख जाने के बाद थोड़ा सा पानी लेके स्क्रब करने के बाद हल्के गर्म पानी से वॉश कर लीजिए। टमाटो में लाइकोपिन होते हैं जो स्किन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन ई भी होता है जो डार्क स्पॉट्स और पिंपल्स दूर करने में बहुत ही हेल्पफुल है। ये भी अगर हर रोज़ यूज़ किया जाए तो आपकी स्किन बहुत सुंदर बन सकती है। नंबर 2, लेमन स्क्रबर। ये स्क्रब स्पेशली स्किन की टैन रिमूव करने में यूज़ होती है। इससे स्किन टैन फ्री और ब्राइट रहता है। इसके लिए एक नींबू और थोड़ा सा नमक लेना होगा। अगर आपकी फुल बॉडी पर टैन है तो आपको उस हिसाब से नींबू और नमक लेना होगा। नमक के साथ नींबू का रस मिला के उसको मिक्स करके पूरा बॉडी या सिर्फ हाथ पैर में सर्कुलर मोशन में स्क्रब करके अप्लाई करना होगा। नींबू की रस और नमक स्किन में जो डेड स्किन सेल्स होते हैं उनको दूर करके टैन फ्री, साफ और सुंदर बनाता है। इस स्क्रब को लगाने के बाद कुछ टाइम इसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए और सूख जाने के बाद इसे पानी से वॉश कर लीजिए। मैंने यहाँ पे जितना भी फेशियल पैक्स या स्क्रबर के बारे में कहा वो सभी लड़का और लड़की दोनों ही यूज़ कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से ही किसी भी मार्केट में आपको मिल जाएगी। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल प्योर नेचुरल है, कॉस्मेटिक्स की तरह इनमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। आप इनमें से आपकी मनपसंद कोई भी स्क्रबर या पैक चूज़ कर सकते हो, लेकिन स्क्रबर और पैक दोनों ही एक सॉफ्ट और ग्लोइंग स्किन पाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इन सब के अलावा भी स्किन में टैन पड़ने के पीछे जो जो रीजंस होते हैं उनमें से मेन एक रीज़न है बहुत ज़्यादा फास्ट फूड और स्पाइसी खाना खाना, जो हमारे स्किन और शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। फास्ट फूड खाने से ज़्यादा पिंपल्स होते हैं। इससे स्किन के अंदर डेड सेल्स के सारे होल्स ब्लॉक हो जाते हैं
और प्रोटीन्स और सीबम उनके अंदर ही स्टक हो जाने की वजह से स्किन ऑयली हो जाता है, और तब स्किन के ऊपर बैक्टीरियाज अटैक करने से स्किन में ब्लैक हेड्स और पिंपल्स आ जाते हैं। इसलिए जितना हो सके फास्ट फूड अवॉइड करना ही स्किन के लिए अच्छा है। विटामिन ए से भरपूर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जैसे कि आलू, गाजर, इस तरह के सब्जियां स्किन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। काफ़ी सारी लड़कियां जब बाहर कहीं जाती है तब फेस पे तरह तरह के मेकअप यूज़ करती है, ऐसे में घर लौट के ज़रूर फेस वॉश या साबुन से तुरंत मुंह धो लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सारे मेकअप बहुत समय तक फेस पर रहेंगे तो स्किन में डार्क स्पॉट्स दिखाई दे सकते हैं जिससे स्किन डैमेज होती है। इसीलिए अगर आप एक सुंदर ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हो तो ज़रूर बाहर से आके सबसे पहले अपनी फेस पे से सारे मेकअप वॉश कर लीजिए और इसके बाद टोनर यानी कि रोज़ वाटर लगाइए, ये बहुत ही ज़रूरी है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके यहाँ पे बताई हुई कुछ चीज़ें ऑनलाइन से भी खरीद सकती है। ये सारे होम रेमेडीज़ फॉलो करने से आपकी भी स्किन ब्यूटीफुल, सॉफ्ट एंड ग्लोइंग हो सकती है, जो कि नेचुरली आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में भी बहुत मदद करेगी। आखिर में आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने में सच में इतना सा भी मदद मिले तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अगर आपको कुछ मदद मिल पाया है तो इसे शेयर करके आप किसी दूसरे का भी मदद कर सकते हैं। इस वीडियो में जितने लाइक्स आएंगे मैं समझूंगा उतने लोगों को मैंने थोड़ा सा मदद कर दिया है। और आप अगला कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि आपको मदद कर पाना ही हमारा असली मकसद है। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।